अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, चंगे भले होंगे अपने घर में। अल्लाह ताला आपको ऐसे घरों में अपने खुशबाद रखे, आमीन जनाब। 14 अगस्त आने वाली है और यूट्यूब पे बस जी इसी हवाले से ड्रेसिंग हुई जा रही है। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहती? मैं भी फटाफट लेके आ गई हूँ आपके लिए जनाब 14 अगस्त के हवाले से एक ड्रेस, बेबी ड्रेस है। आप चाहे तो अपना भी बना सकती है। चले फिर आपके साथ शेयर करते हैं, गला थोड़ियाँ करने हैं। ये देखिए जी जनाब, ये मैंने बनाया था अपनी बेटी का ड्रेस। मैंने कहा चलो जी आपके साथ शेयर कर लूँ। प्रिंट आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा है। प्यारा क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे फ्लैग वाला प्रिंट है तो वैसे ही प्यारा लगेगा। यहाँ पे बनाई है जी मैंने प्लेन बिल्कुल पट्टी, जेंट्स पट्टी बनाई है। ये देखिए जी, जेंट्स पट्टी बनाने के बाद नीचे लगा दिया बटन, ऊपर लगा दिए जेंट्स पट्टी, और यहाँ पर लगा दी है जी मगजी। ज़्यादा स्टाइलिश नहीं बनाया क्योंकि ये प्रिंट ही इतना प्यारा है, इसके ऊपर और स्टाइल करके तो क्या इसका करना है। बाजू इसके बनाए हैं जी ये फ्रिल वाले, ये देखिए जी मिड में से थोड़े से लॉन्ग है, साइडों पे आके छोटे हो गए। इसको शायद फ्लावर बाजू भी बोलते हैं, आपको पता तो चल गया होगा। पता नहीं आपको समझ भी आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये प्रिंट सेम है सारा, तो सही तरह परमिनेंट नहीं हो रहे बाजू। अब पता चला ये इस तरह के बाजू है। नीचे आके मैंने ना जो ट्राउजर वाला प्रिंट है ना उसकी ये कलियां डाल दी, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, बैक पे भी दोनों कलियां डाल दिए ताकि थोड़ा सा ना स्टाइल बन जाए, दामन से स्टाइल नजर आए। फ्रंट से इतना वो ऊपर से हो भी गले से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि ये कलियां डालने की वजह से ना थोड़ा सा ये देखे कितना जबरदस्त किस्म का लुक आ रहा है। फ्रंट पे भी एक कली डाली है, बैक पे भी डाली है, और नीचे ये वे देखे जी ट्राउजर वाले कपड़े से ही ये पाइपिंग कर दी है। पाइपिंग थोड़ी सी चौड़ाई में की है ताकि थोड़ी परमानेंट और अच्छी लगे। ये देखिए जी फ्रंट पे भी इस तरह पाइपिंग है, बैक पे भी नीचे से शर्ट के रखने की बजाय ना थोड़ा सा गुलाई में अम्ब्रेला शेप लगाया है, जिसकी वजह से ना ये देखें स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है। चाक इसके बंद कर दिए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे से फ्रिल वाला फ्रॉक वाला स्टाइल लेके आई है। ज़्यादा भी नहीं बनाया है फ्रिल वाला फ्रॉक, बस थोड़ा सा इसको गुलाई में करके चाक बंद कर दिया, इसकी वजह से ये वाली लुक ना बड़ी प्यारी आ रही है। ऊपर से देखे जी ये फिटिंग में आ रहा है, ये फ्री बाजू है, और यहाँ से नीचे से आके ना ये देखिए ये गुलाई में शेप आ गई है। और ये है जी इसके साथ इसका ट्राउजर, ट्राउजर वाला पीस लेके इसकी फ्रंट पे और बैक पे दो दो कलियां डाल दिए। कलियों की साइडों पे आपने लेस ऐड करनी है तो आपकी अपनी चॉइस है, लेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि लेस के बगैर भी ये देखिए कलियां कितनी अच्छी लग रही हैं। साथ इसके ये वाला बिल्कुल प्लेन सा ट्राउजर बनाया, ट्राउजर के ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं की। अगर आपके पास कोई ग्रीन कलर की लेस या सीढ़ी लेस या कोई भी ऐसी मगजी पड़ी हुई है आप लगाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी करो आपका अपना सूट होगा। अच्छा जी ये वाला हो गया जी फर्स्ट ड्रेस। अब मैं दिखाती हूँ आपका दूसरा, दूसरी जस्ट शर्ट। ये कि ये पीस पड़ा हुआ था तो लेकिन ना ये हुआ है कि मैंने कहा जी चलो जी ये भी 14 अगस्त पे चल सकता है। ये देखिए जी ये पीस थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन ये कि ग्रीन लुक आ रही थी तो ऊपर थोड़ी सी डाली है, आई थिंक 4 इंच की ये योक है, योक डाल के वी वाला गला रख दिया है, पीछे लगा दिया जनाब जी टिच बटन। अच्छा जी, और यहाँ पे नीचे ये वाला पीस अलग पड़ा हुआ था, यहाँ पे 3 लगा दिए हैं जी। मैंने कहा था ना कि लेस पड़ी हुई है तो लगा ले, वाइट लेस तो हर गल में अवेलेबल होती है, ये 3 लगा दी है जी ऐसे लेस की लाइनिंग। और नीचे वाइट ट्राउजर इसके नीचे वाइट है, और वाइट कपड़े की चारों साइडों पे चाक पे और दामन पे कर दी है पाइपिंग। बैग से ये बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि ये मैंने कहा था कि ये वाला पीस मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो इसके ऊपर डाल दिए योक। अगर आप ऊपर योक नहीं डालना चाहते तो आप नीचे दामन पे इस पीस को ले यार नीचे लेस लगा दे, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। यही बाजुओं के लिए भी पीस नहीं था, थोड़ा सा ये वाला ग्रीन पीस पड़ा था तो इसकी मगजी बाजुओं के आगे बना दिए। छोटे बच्चे या गर्मी में इस तरह के भी चल जाती है। ये देखिए जी ये पीस पड़ा हुआ था, पीस से कितनी प्यारी शर्ट बन गई है। नीचे शर्ट पर आप यहाँ पर टसल्स लगाना चाहते हैं, वैसे मैं भी लगा लूँगी, प्यारे लगेंगे ना खाना, यहाँ पे टसल्स लगा दे उससे भी बड़ी प्यारी लुक आएगी। तो ये कि बच्चों की छोटी छोटी ये खुशियाँ होती है, बड़ों की भी होती है, और हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए जी। इतना अच्छा हमारे लिए दिन है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बड़ों ने, तो हमें कदर करनी चाहिए। तो आप भी लाजमी इस तरह ड्रेसिंग करिएगा, इस तरह का आइडिया मेरा आपको अच्छा लगे तो मुझे लाजमी बताइएगा। और ये है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नया लेके। अल्लाह हाफिज़।